भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सर, इको टूरिज्म के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, और टूरिज्म में जो भी यहाँ पर आपने देखा पराशर है और ब्रूट वैली है, उसको लेकर के आप क्या क्या हो? देखिए, हमने 9 साइट्स आइडेंटिफाई की हैं पूरे प्रदेश के अंदर, और उसमें से पराशर एक है, और ब्रूट को भी हम उसके आसपास ही रख रहे हैं और उसी क्लस्टर में हम लेना चाहेंगे। कल शिमला में मैंने बैठक रखी है इको बोर्ड की, और इको का हम नया पूरा संस्थान खड़ा कर रहे हैं, और भारत सरकार से भी और प्रदेश से भी हम इसके ऊपर बहुत बड़ी योजना के रूप में, क्योंकि जैसे हमें लग रहा है कि ये वैक्सीन का अब आना लगभग तय है, और ये वैक्सीन जो है जून तक पूरे देश में हर नागरिक को लग जाएगी। जो मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है हर्षवर्धन जी की जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो हम अपने आप को अगले टूरिज्म सीजन के लिए जो तैयार करना शुरू कर दिया। हमने इसका आज पूरा डिटेल में कल शाम से वहीं पर हूँ, सुबह भी मैं वहीं पर था प्रशासन में। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत फुटफॉल है, टूरिस्ट बहुत आता है, अपने आप आता है। हमको केवल सड़क को ठीक करना है, और वहाँ पे कम से कम 51 टेंट्स की एक कॉलोनी बनाकर वहाँ पे हमको एक पूरी व्यवस्था करके, जहाँ पे हम अपने हिमाचली कल्चर को शोकेस कर सकें, गाड़ियाँ आगे ना जा सके, एक जगह पे पार्किंग क्रिएट करके वहीं से घोड़ों के ऊपर और बगियों के ऊपर जो है मंदिर तक आगे लोग जा सके। वहाँ पे जो गंद डालते हैं, बोतलें फेंके जाते हैं, जो प्लास्टिक डालते हैं, उसके लिए हम एक बैरियर लगाने जा रहे हैं। उस बैरियर में आप 500 रुपया देकर एक बैग लेकर जाएंगे, तो वो बैग हमें वापस करेंगे और अपना 500 रुपया वापस ले लेंगे एक सिक्योरिटी के रूप में। और जो भी वहाँ पे नीचे गंद फेंकेगा या कुछ ऐसा करेगा, उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम आदेश दे रहे हैं। ऐसा हम करके उस एरिया की सैनिटी को भी और उस एरिया की सफाई, वो ऋषि पराशर की जगह है और वहाँ पे ऐसा सब काम करना एक पाप माना जाता है, और उसको हम कैसे चेक करें, इस बात के लिए वन विभाग जो है अपनी पूरी भूमिका निभाएगा। बहुत सुंदर साइट है कैंपिंग के लिए, टेंटिंग के लिए और इको टूरिज्म के लिए। अगले सीजन में हम वहाँ पे हिट करेंगे और उसका हम पूरी व्यवस्था तैयार करेंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।